PS1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फर्स्ट डे। PS1 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज धमाकेदार अंदाज में रिलीज कर दी गई है। 500 करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ बनाई गई फिल्म रिलीज होते ही तमिल सिनेमा का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया है। हम बात करने वाले हैं पोन्नियिन सेल्वन के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानने वाले हैं कि क्या ये फिल्म इंडियन हिस्टोरिकल वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनर बनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चोला डायनेस्टी जो कि लगभग 2000 साल पुरानी कहानी है। दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं लाइन एक्सप्लेन 007। इस कहानी पर अब फिल्म आ चुकी है जिसका नाम है PS1 पोन्नियिन सेल्वन। और इस फिल्म में आपको लीड करते हुए नजर आने वाले हैं विक्रम कार्थी और जयराम, और उनका साथ दिया है इस फिल्म में ब्यूटीफुल ऐश्वर्या राय ने। बताते चले आपको कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज काफी ग्रेट रिलीज की गई है, जिसे कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषा में लगभग 4300 स्क्रीन दी गई है। वही वर्ल्ड वाइड पर ये फिल्म लगभग 6000 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली है। इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनर बन गई है। और अगर बात की जाए फर्स्ट डे कलेक्शन की, PS1 के टीजर ट्रेलर और गानों को ऑडियंस की तरफ से धमाकेदार रिस्पांस मिला था। यही वजह रही कि इस फिल्म की जो एडवांस थी वो फिर सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर काफी ऐतिहासिक रही। इंडिया में जहां इस फिल्म ने एडवांस से 19 करोड़ के आंकड़े को अपने पहले ही दिन पार करके इस साल की टॉप ओपनिंग ले ली है और ब्रह्मास्त्र को पीछे कर दिया है, तो वही ओवरसीज में इस फिल्म की जो अपने पहले दिन की जो एडवांस है वो काफी हिस्टोरिकल रही। अमेरिका में भी इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन एडवांस में 8 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया। गल्फ कंट्रीज में भी इस फिल्म ने एडवांस में 7 करोड़ के पार कर दिया है। दोस्तों, आगे अपडेट है कि इस फिल्म की जो टोटल एडवांस थी वो अपने ओवरसीज और इंडिया को मिलाकर 35 करोड़ के भी आंकड़े को पार कर चुकी थी। और अगर बात की जाए यहाँ पर अब इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस की, तो तमिलनाडु में इस फिल्म के जो शो थे वो सुबह 3 बजे से ही शुरू हो चुके थे और 3 बजे से ही इस फिल्म के शो आज हाउसफुल चल रहे हैं। मॉर्निंग सहित इस फिल्म को 80% से अच्छी ऑक्यूपेंसी के साथ मिली और आफ्टरनून और इवनिंग में भी इस फिल्म की जो एडवांस ऑक्यूपेंसी है वो लगभग हाउसफुल ही रहा है। साथ ही साथ नाइट के भी इस फिल्म के कई सारे शो हाउसफुल हैं। ऑडियंस की तरफ से ने रिव्यूज काफी अच्छे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि पोन्नियिन सेल्वन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां इस हफ्ते की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनर बन रही है, वहीं हिंदी में भी इस फिल्म की लगभग 600 स्क्रीन दी गई है, जहां पर ये फिल्म अपने पहले ही दिन ओवरेज ओपनिंग लेते हुए नजर आ रही है। अपने पहले ही दिन ये फिल्म तमिलनाडु में लगभग 48 से 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर रही है। तेलुगु में इस फिल्म की जो एडवांस थी वो 1 करोड़ से ज्यादा की थी। ये फिल्म तेलुगु में आज 4.5 से 5 करोड़ के आंकड़े को पार कर रही है। वही कन्नड़, मलयालम और हिंदी को मिलाकर इस फिल्म की आज का जो कलेक्शन आ रहा है वो भी लगभग 5 करोड़ का आ रहा है। ऐसे में यह फिल्म इंडियन से यहां लगभग 60 करोड़ के आंकड़े को पार करते हुए साल की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनर बन रही है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का आज अपने पहले ही दिन का कलेक्शन लगभग 88 करोड़ के आंकड़े को पार कर रहा है। ऐसे में ये फिल्म रजनीकांत सर और अक्षय कुमार की धमाकेदार फिल्म रोबोट 2.0 के बाद तमिलनाडु सिनेमा की एक बड़ी ओपनर बन रही है और वहां पे 20 सारे रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। उम्मीद है कि जिस तरह से आउटस्टैंडिंग रिव्यूज इस फिल्म को मिल रहे हैं, फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर ये ऐतिहासिक कमाई करने में कामयाब रहे। आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।